प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ eNewsMP.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं eNewsMP और मैं आपके साथ आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीधी जिले में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल ने नेता सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके साहस और राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ सेवा को स्मरण किया। नेता सुभाष चंद्र बोस की शख्सियत के बारे में विधायक केदारनाथ शुक्ल ने बताया कि नेताजी देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक अच्छे नेता माने जाते थे। नेता के दिए हुए नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारे को याद करते हुए विस्तार से प्रकाश डाला। पैसा चाहिए, खून चाहिए, नारा पहले से दिया था, तुम ये खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जापान में जब उन्होंने पैसा मांगा, बहुत कारुणिक दृश्य था। एक मां जिसका बेटा शहीद हो गया, देश की आजादी की लड़ाई में भी वो जापान में जाकर रह गई थी, उसके पास सोने के फ्रेम में पढ़ा हुआ है बेटे का फोटो था और अपने बेटे की फोटो लेकर पहुंच गई। विंध्य क्षेत्र रीवा मुख्यालय में 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होने रीवा पहुंच रहे मुख्यमंत्री शिवराज को लेकर कल से राजनीति के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। बता दें कि बीजेपी सरकार को विंध्य क्षेत्र से अच्छी बढ़त हासिल हुई थी, लेकिन प्रतिनिधित्व की उपेक्षा का दंश झेल रहे विंध्य को खुश रखने वे खुद पहुँच रहे हैं। कारण है महाकौशल और विंध्य क्षेत्र को मिलाकर फिर से विंध्य क्षेत्र के पुनर्गठन की मांग जोरों से है। सीधी जिला पंचायत अपनी कारगुजारियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही है। कभी SBM तो कभी SDM, तो कभी सेल तो कभी भूसा तो कभी TSAS, यानी तरह तरह के मामलों पर सुर्खियां बटोर रही जिला पंचायत पर विराम लगाने की जरूरत महसूस हो रही है। देखना होगा कि बेलगाम इस भवन पर कलेक्टर चाबुर लगा पाते हैं या नहीं। सीधी जिले की भोली भाली महिलाओं की पॉलिसी में इन दिनों एक गिरोह द्वारा पॉलिश लगाने का काम किया जा रहा है। महिलाएं अपनी अपनी खून पसीने की कमाई की वापसी के लिए अर्जी लिए जिला पंचायत का चक्कर काट रही हैं। दरअसल दुगनी राशि के चक्कर में चिटफंड कंपनियों के बहकावे में आई महिलाओं को ये नहीं पता था कि आई ना गई घरों की गई। बहरहाल जिम्मेदारी अमला इन्हें न्याय दिलाने में जुटा हुआ है। हम बैंक में थे रहे, कहीं के नहीं दीदी पैसा दे, हम कहीं हमसे न हो सकी, कहीं नहीं को दीदी दे। जब हम पैसा हमार फिर बैंक मांगी, हमार बैंक चोराई, बैंक चोराई के और हमार 15,400 ठीक से मकारी, और फिर पॉलिसी दी, दूसरा पॉलिसी दी, तब पॉलिसी में हम 5 साल माने पैसा जमा करें। अब हमार पॉलिसी कहें कि तीसरे रोज का हम तौर पॉलिसी ले गए थे पैसा जमा करा, आज तक पैसा नहीं दी हमार कम से कम, हाँ तो मान ले के 30-35 और मान ले के हमार 70,000 रुपया होके लगे है। नहीं देता है, कहा था पैसा लाई के भाग का है, और पैसा लाई के भाग का है। अब कहा था हाँ कि अरे वो बंद है, वो जब बंद है वो जब का कहावत है कबो नीबरी का दे। अरे हम तोखा जानी थे कि देश का जानी थे। क्या नाम है अपना? हमारा चंद्रवती नाम। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा 7 नंबर स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी के साथ भाजपा के कई नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें प्रमुख थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम सहित भाजपा के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। किसानों के समर्थन में कांग्रेस के राजभवन के घेराव के दौरान बर्बर लाठी चार्ज पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा,
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, किसानों के समर्थन में आज मध्य प्रदेश के भोपाल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों और कांग्रेसियों पर शिवराज सरकार के इशारे पर किए गए वर्बल लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन छोड़े जाने की और गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं। इस लाठीचार्ज में कई किसान, कांग्रेस जनों, महिलाओं और मीडियाओं के साथियों को चोट आई है। उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। किसानों के समर्थन में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम ऐसे दामन से डरने दबने वाले नहीं हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए ई न्यूज़ एमपी। नमस्कार। प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ ई न्यूज़ एमपी.com पर।